brought to you by Physics Wala. महापौर टिकट को लेकर कैसा घमासान मचा हुआ, कब तक रिजल्ट की सूची आने वाली, क्या कारण है अभी तक इतनी कांग्रेस की सूची आने के बाद भी अभी टाइम लग रहा है? कोई घमासान नहीं है, पार्टी को निर्णय करना है, पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को आंकलन करेंगे। और देखिए, पार्टी कैंडिडेट यहाँ पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, कांग्रेस के अंदर व्यक्ति चुनाव लड़ता है, यहाँ पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। यहाँ आज भी चुनाव है तो ठीक और चुनाव नहीं है तो ठीक, हर बूथ पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, किस बूथ पर हमारे आम जन को परेशानी, उसका आंकलन करना, ये हमारी पार्टी अच्छे से जानती है और करती है। इसलिए हम चुनाव के वक्त ही चुनाव मैदान में नहीं जाते। ऐसा माना जा रहा है कि सिंधिया जी और कहीं ना कहीं सिंधिया जी अपने मन का, अपने पक्ष का प्रत्याशी चाहते हैं, अपने फेवर का। ऐसा नहीं है, इसलिए सूची रुकी हुई। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आंकलन है। पार्टी जो भी निर्णय करेगी, पार्टी ही सर्वोपरि है। और जितना मैं माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी को जानता हूँ, वो उनका ध्येय सिर्फ पार्टी, क्षेत्र का विकास और पार्टी राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें उनका विश्वास है, जो मैं समझाऊँ अभी तक। नरेंद्र सिंह तोमर और दोनों लोगों का अपना अपना प्रत्याशी चाहते हैं, कहीं ना कहीं इतनी देरी इसीलिए हो रही है भोपाल से? माननीय नरेंद्र सिंह जी भी पार्टी के हित को ध्यान में रख के ही, पार्टी ही सरोपर है ऐसा रख करके ही निर्णय करते हैं वो। आज आपकी भी मुलाकात हुई, इस क्या उसमें कुछ विशेष? निश्चित रूप से मेरी मुलाकात हुई है, बात हुई है, चर्चाएं हुई है। कुछ विशेष चर्चा हुई हो बताने लगे? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं है, सब सार्वजनिक चर्चा है। शहर के विकास पे चर्चा हुई, शहर के मुद्दों पे बात हुई। किन मुद्दों को लेकर भाजपा आने वाली, क्या विशेष बड़े मुद्दे, क्योंकि भाजपा का ही हमेशा कब्जा रहा है शहर में। महापौर के लिए इसलिए आने वाले, शहर में 1000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है, आप देखिए शहर का मुद्दा है। रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, हवाई अड्डा बनने जा रहा है, ग्वालियर बदल रहा है, 1000 बिस्तर का अस्पताल बन रहा है, मध्य प्रदेश में जो काया क्लब में सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर नंबर 2 पे आ गया है। शहर के रोड आप देखिएगा, जेल रोड पे जाके देखिएगा, पहले 100 शिकायतें मिलती थी तो अब मात्र 20 शिकायतें रह गई हैं, और वो 20 शिकायतें भी आने वाले दिनों में हम समाप्त कर देंगे। फिर भी कहीं ना कहीं बिजली को लेकर लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं कटौती बढ़ रही है, उसके लिए क्या विशेष कारण है? कहना है कि बिजली की अभी कोई कटौती नहीं है, अन्य प्रदेशों में देख लीजिएगा यहाँ कोई कटौती नहीं है, हमारी पावर क्वालिटी है, पहले से कम समय में मेंटेनेंस हो रहा है। और आज आप भी इस ग्वालियर में रहते हो, हम 4th स्तंभ हैं, आपका खुद का भी आंकलन होगा कि ग्वालियर बिजली में ही नहीं हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है।